नमस्कार, लर्न टू राइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम भारत के फेमस पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की परंपरा और संस्कृति बहुत समृद्ध है। ये अपनी अद्भुत कला और शिल्प के माध्यम से इसे चित्रित करता है। भारत में हर क्षेत्र और राज्य एक विशेष कला रूप से जुड़ा है। आइए कुछ प्रकार के भारतीय चित्रों पर एक नज़र डालें। नंबर एक, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव में हुई थी। ये पेंटिंग ज़्यादातर महिलाओं द्वारा बनाई गई थी। इस प्रकार की भारतीय पेंटिंग में उंगलियों, टहनियों, ब्रश, नीब पेन, माचिस और प्राकृतिक रंगों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये दीवारों, पवित्र स्थानों के फर्श, कैनवस आदि पर किया जाता है। मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार हैं महासुंदरी देवी। नंबर दो, पटचित्र आर्ट। पटचित्र उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है। ये पेंटिंग प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। ये कला रूप का अभ्यास 3000 से भी अधिक वर्षों से किया जा रहा है। सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक रघुनाथ महापात्र थे, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। नंबर तीन, पिथोरा पेंटिंग्स। गुजरात राज्य का एक चित्रकला है। ये राठौर और भिलाल जनजातियों की कला है। नंबर चार, कलमकारी पेंटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम के इस्तेमाल से बनाई गई पेंटिंग। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में बहुत लोकप्रिय है। आमतौर पर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, संगीत वाद्य यंत्र, जानवरों, हिंदू प्रतीक जैसे स्वस्तिक के दृश्य को दर्शाती है। नंबर पाँच, कालीघाट पॉट आर्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की चित्रकला है। ये कोलकाता की काली मंदिर के आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। ये कला रूप विभिन्न हिंदू देवताओं और अन्य पौराणिक पात्रों से आधारित है। नंबर छः, वारली आर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। आदिवासी कला का यह रूप महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियों से संबंधित है। ये 2500 से भी अधिक वर्षों से प्रचलित है। ये ज़्यादातर स्थानीय लोगों की खेती, नृत्य, प्रार्थना, शिकार और प्रकृति के तत्वों को दर्शाता है। इसको बनाने में चावल के पेस्ट के साथ टहनियों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर सात, थंका पेंटिंग। ये तिब्बती लोक चित्रकला है जो सिक्किम में बहुत लोकप्रिय है। इस कला रूप में सूती या रेशमी कपड़े पर बुद्ध के चित्र बनाए जाते हैं। इसे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, तिब्बती बौद्ध दीवार चित्रकला। दूसरा, बौद्ध जीवन शैली की झलक। तीसरा, दैनिक जीवन के अनुष्ठान और प्रथाएँ। तो ये सब भारत का प्राचीन कला है। और भी बहुत सारे पेंटिंग है, जैसे फ्लोर पेंटिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये एक पारंपरिक कला है। ये मुख्य रूप से त्यौहार और समारोहों में बनाया जाता है। जैसे वारली पेंटिंग को चावल के पेस्ट से बनाया जाता है, इसे भी चावल के पेस्ट से बनाया जाता है। वारली पेंटिंग को दीवार पर किया जाता है, लेकिन फ्लोर पेंटिंग को फर्श पर बनाया जाता है। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में चौकपुन्ना, उत्तराखंड में एपन, राजस्थान में मंदना, आंध्र प्रदेश में मुगुलु, बिहार में आरिपना, महाराष्ट्र में रंगोली, पश्चिम बंगाल में अल्पना, उड़ीसा में झोटी और मुरुज, गुजरात में आथिया, कर्नाटका में रंगवाली, तमिलनाडु में कोलम, हिमाचल प्रदेश में अरूफ, केरल में कलमा जट्टू। तो ये सब याद रखना। नंबर नौ, फर्ड पेंटिंग फ्रॉम राजस्थान। नंबर दस, गोंड पेंटिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश। नंबर ग्यारह, तांजोर आर्ट तमिलनाडु के तंजावुर जिले से। नंबर बारह, चेरियल स्क्रोल पेंटिंग फ्रॉम तेलंगाना। नंबर तेरह, कला में जूतू फ्रॉम केरला। नंबर चौदह, राजपूत पेंटिंग, इसे राजस्थानी पेंटिंग भी कहा जाता है। ये पेंटिंग राजस्थान में राजपूत शाही दरबारों से उत्पन्न हुई थी। नंबर 15, चित्तारा पेंटिंग फ्रॉम कर्नाटका। नंबर 16, सोरा पेंटिंग फ्रॉम उड़ीसा।
सोरा पेंटिंग उड़ीसा राज्य का एक आदिवासी कला है। नंबर 17 भील आर्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये भारत में दूसरे सबसे बड़े आदिवासी समुदाय भीलों द्वारा प्रचलित एक कला है। नंबर 18 मैसूर पेंटिंग कर्नाटका की मैसूर शहर से उत्पन्न हुई थी। नंबर 19 मिनिएचर पेंटिंग मुगलों के शासन के समय से शुरू हुआ था। आज ये राजस्थान और गुजरात में प्रसिद्ध है। तो ये सारे थे भारत के प्रसिद्ध चित्रकला के बारे में। अगर आपको किसी भी नए टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।